और आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत भी हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि विपक्ष अपने दायित्व को भूल रहा है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में भाजपा सांसद ने और क्या कुछ बातें कही है, आपको सुनवाते हैं। आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार विपक्ष को किस तरह से जवाब देगी, सरकार की क्या रणनीति है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। राजेंद्र जी, किस तरीके की तैयारी है सरकार की तरफ से आज बजट सत्र को लेकर के? नहीं, सरकार हमेशा से इस बात को कहती रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं, जो हमारे अन्य वरिष्ठ नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, या एक प्रकार से स्पीकर साहब भी इस बात को कहते रहे हैं कि प्रत्येक विषय पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। विपक्ष अपनी बात रखे, सत्ताधारी दल अपनी बात रखे और एक डायलॉग रहता है तो उसमें सारी बातें निकलती हैं। और ये स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अधिकार है सरकार को घेरने का, अच्छे ढंग से सवाल उठाए, वो कोई समस्या है उनको उठाए, उनके ध्यान आकृष्ट करे, यदि जरूरत है तो सरकार की आलोचना करे और सरकार को भी उन विषयों का संज्ञान लेते हुए उसका उत्तर देना उसकी जिम्मेदारी है। और यदि कोई ऐसे विषय उठते हैं तो उसका निराकरण करने की भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की स्वस्थ डायलॉग के द्वारा सदन चलेगा। और देखा जाए तो पहला चरण भी अच्छा चला, कुछ शुरुआत में थोड़ी कठिनाई रही लेकिन उसके बाद सबने सहयोग किया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी एजेंडा हाउस के सामने, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उस एजेंडे को पूरा किया जाएगा। जो चर्चाएं होनी होंगी, अभी बजट के ऊपर चर्चा होनी शेष है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर चर्चा होगी, उसमें लोग एक सार्थक भूमिका निभा करके एक उच्च स्तर की चर्चा करेंगे और सब विषयों पर जैसा मैंने कहा कि चर्चा होगी। राजेंद्र जी, अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो क्या इस जीत को लेकर के भी विपक्ष की कोई रणनीति होगी, किस तरीके के सवाल पुटअप होंगे और किस तरीके से उन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने तैयारी की है? देखिए, सामान्यतया जो विषय संसद के अंदर उठते हैं, चुनाव जब चल रहा था वो विषय जनता के बीच में भी उठाए गए, बराबर उठाए गए। और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, क्योंकि संसद में आज भी सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन यदि मुद्दों को अस्वीकार जनता ने किया है और उनको बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, पंजाब में अच्छी खासी उनकी सरकार थी, वहाँ भी उनकी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों में सरकार थी वो लौट करके आई हैं, तो कांग्रेस को जरूर सोचना चाहिए कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। केवल मोदी जी की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, निरर्थक आलोचना करना, यानी ऐसे बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो कभी कोरोना का संकट आया, चाहे यूक्रेन का संकट आया हो या कुछ और चीज़ें हों, तो उसमें यदि सार्थक भूमिका कांग्रेस नहीं निभाएगी तो इसी प्रकार की अस्वीकृति जनता के द्वारा उसको प्रदान की जाती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद से कांग्रेस को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि किन विषयों को किस ढंग से संसद में उठाएं। सरकार तो तैयार है।